इसमें मैं रेड कलर कर दूंगी, हल्का सा पानी लगा कर एक फ्लावर में। इसके फ्लावर बहुत ही नाजुक होते हैं, सेन की पंखुड़ी निकल गई है तो मैं ब्रश से ही हल्के हाथ से ठीक कर दूंगी, ज़्यादा इनको नहीं टच करूंगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। बताइएगा फर्स्ट ट्राइंग मेरी कैसी लगी। एक बार मैंने पॉट भी बनाया था पर वो आप लोगों को मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि बहुत अच्छा नहीं बना था, फिर मैं दिखाऊंगी। अब वॉल पुट्टी का बनाया था, पूरे सामान की शॉर्टेज हो जाती है, सामान रहता तो मैं कुछ ना कुछ इधर उधर करती रहती हूँ। ये देखिए पंखुड़ी, थोड़ा थोड़ा तो डिजाइन पंखुड़ी की लग रही है, ये मैंने कुछ सामान लिया हुआ है। ये मैंने पॉट होममेड है, हैंडमेड है, और ये फालतू पड़े डिब्बे से ही मैंने भी बनाया था। अब इसमें मैंने ये पेन वगैरह रख दिए हैं, पेन स्टैंड बनाया था, काफ़ी डिब्बे पड़े थे तो इसका भी मैं कभी ट्यूटोरियल दूंगी आपको, वीडियो बना कर दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अब ये सूख के थोड़ा इस तरह दिखेगा, अभी ये हल्का गीला है, ये देख सकते हो आप, ये मैंने इस तरह बनाया है। अब इसका ये हैंडल भी बना सकती हूँ कुछ रखने के लिए, यहाँ पे धागा लगा कर अगर कर दूँगी ना, कि वैसे ही ये बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें हम डेली के सामान कुछ किचन वेयर रख सकते हैं। तो ये किचन ऑर्गेनाइजर कैसा लगा आपको, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मैंने ये लिया हुआ है, ये कुछ आलमंड सेल्स पड़े थे और मैंने ये ट्रे ली हुई है लकड़ी पर, ये लिया हुआ है, इसको मैं पेंट करूँगी, इसको मैं पेंट करूँगी। एक बार पहले मैं इसमें पेपर चिपकाऊँगी, इसकी ट्रे बना रही हूँ पॉट आउट रखने के लिए, यहाँ से मैं बीच में छेद कर लूँगी। चलिए आपको दिखाते हैं, ये मेरे पास कलर्स हैं। पहले मैं यहाँ पे फेविकॉल का कोट करूँगी, उसके ऊपर ही मेरे पास पेपर है तो इनको चिपका देंगे। पहले हम ब्रश से फेविकॉल का ब्रश करेंगे इसके ऊपर, ये मैंने ऐसा पेंट कर दिया है, ये येलो और ब्लू से थोड़ा सा इसी के ऊपर फेविकॉल भी लगा देंगे।
हल्का सा ब्लश और डाल दूंगी यहाँ पर। बस इसको मैं ना ही पेंट करने वाली हूँ, थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर से कर दूँगी और ये शेडेड टाइप का ही रखेंगे। इसमें हम कोई भी सामान रख सकते हैं। ये ट्रे टाइप की बन गई है। थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर इस साइड में लगा दूँगी चारों तरफ। बस मेरा रखना शुरू रहेगा। और ये मैंने सामने लगाया हुआ, ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो मैंने किस चीज़ से बनाया है। होप आपको पसंद आए ये आइडिया। तो आपको पसंद आया आइडिया तो लाइक करना। ये हमारा ऐसा सीन है इसका, ट्रे का। इसके बीच में भी मैं रेड और येलो का कुछ कॉम्बिनेशन कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसमें पूरा येलो पीछे साइड कर दिया है। मैं रेड का ये फ्लावर में कोट कर दूंगी ऊपर से। फिर आप बताना कैसा लगा। ये ड्राइंग तो मैं तो पहली बार कर रही हूँ, सिंपल ही कर रही हूँ। तो पसंद आए तो लाइक कर देना। इसको मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सूख जाए। इसके फ्लावर भी मुझे तैयार करने हैं। तो ये मैं ऐसा इसमें रेड कलर कर दूंगी। इसको मैं पोंछ दूँ, यहाँ मैंने थोड़ा गंदा कर दिया। हैंडमेड है और ये फालतू पड़े डिब्बे से ही मैंने भी बनाया था। अब इसमें मैंने ये पेन वगैरह रख दिए हैं, पेन स्टैंड बनाया था, काफ़ी डिब्बे पड़े थे। तो इसका भी मैं कभी ट्यूटोरियल दूंगी आपको, वीडियो बना कर दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अब ये सूख के थोड़ा इस तरह दिखेगा। अभी ये हल्का गीला है, ये देख सकते हो आप। ये मैंने इस तरह बनाया है। अब इसका ये हैंडल भी बना सकती हूँ कुछ रखने के लिए, यहाँ पे धागा लगाकर अगर कर दूँगी ना, कि वैसे ही ये बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें हम डेली के सामान कुछ किचन वेयर रख सकते हैं। तो ये किचन ऑर्गेनाइजर कैसा लगा आपको। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।